मध्य प्रदेश सरकार के 5 अधिकारियों के चलते सरकार की जमकर किरकिरी हो गई, और किरकिरी भी ऐसी कि हाई कोर्ट ने इन 5 अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। मामला जुड़ा है हाई कोर्ट की अवमानना से। दरअसल इंदौर हाई कोर्ट ने एक कर्मचारी के पक्ष में अप्रैल 2024 में एक फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को वेतनमान से जुड़े लाभ देने का आदेश मध्य प्रदेश सरकार को दिया, लेकिन सरकार के अधिकारियों ने इस बारे में कोई फैसला ही नहीं लिया, जिसके चलते हाई कोर्ट नाराज हुआ और 5 अधिकारियों लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी, हेल्थ कमिश्नर विवेक पोरवाल, हेल्थ डायरेक्टर दिनेश श्रीवास्तव और क्षेत्र संचालक स्वास्थ्य सेवाएं इंदौर डॉक्टर आरसी पनिका के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया। अब इन अधिकारियों को 9 सितंबर को पेश होकर हाईकोर्ट से जमानत लेनी होगी। दरअसल संविदा कर्मियों के लिए पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी, जिसमें 100% वेतनमान देने का फैसला हुआ था। ज्यादातर कर्मचारियों को वेतनमान मिल भी गया, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते कुछ कर्मचारी छूट गए। उन्हीं छूटे हुए कर्मचारियों में एक थे इंदौर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पार्थन पिल्लई, जिन्हें वेतनमान यानी पे स्केल का लाभ नहीं मिला। जब उन्हें पे स्केल का लाभ नहीं मिला, तब पार्थन ने हाईकोर्ट की शरण ली और नवंबर 2023 में हाईकोर्ट ने पार्थन के हक में फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक उन्हें 4 महीने का वेतनमान दिया जाना था, लेकिन जब पार्थन को वेतनमान नहीं दिया गया तो उन्होंने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इन 5 अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। कुल मिलाकर एक तो सरकार सबका वेतन बढ़ा रही है और दूसरी तरफ पार्थन जैसा केस वाकई हैरान करता है। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।